अच्छा, तो इसमें ना ये है कि एक दफा दोबारा जो है ना, वो मैं आपको इसका बता देता हूँ, जो सिटी की रेशियो, वो क्या है कि यू सी के जब आप पीक एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, आपके पास जो है वो इस सिटी में जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज 43.1, ठीक है, और इस सिटी में जो फ्लो कर रहा है वो इस ब्रांच से आ रहा है, विच इज 29.3, और आप कह सकते हैं कि अब दोनों सिटीज में जो है वो आपके पास करंट लेस देन 50 है, तो हम स्टैंडर्ड रेशियो जो है वो 50:5 सेलेक्ट कर, ठीक हो गया। लेकिन आप देखें कि मैंने जो इसकी रेशियो है वो 100:5 इसकी भी, और ये वाला जो सिटी है इसकी रेशियो भी 100:5 है, ठीक है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप जब रिले को सेट करते हैं, कि जैसे अब ये रिले पोर्ट है, ठीक है, तो आपको अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आप जो भी पिकअप वैल्यू लोगे, जैसे अब 16 आपने लिया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सिटी सेकेंडरी करंट से, एंड और सिटी का जो सेकेंडरी करंट है वो हमेशा कितना रहता है, 5 एम्पेयर्स। तो अगर मैं लेट से, अब जैसे ये सिलेक्ट हुआ हुआ है 16, तो 16 × 5, ठीक है, तो इट बिकम्स 80। तो यानी ये वाला जो उसने फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इससे बनता क्या है, रिले के एम्पेयर्स, ठीक है, कि रिले में कितने एम्पेयर्स जो है वो फ्लो करेंगे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द पिकअप। तो लेट से अगर आपने यहाँ पे 16 सेलेक्ट किया हुआ है, तो 16 × 5, इट बिकम्स 80 एम्पेयर्स ऑफ द रिले व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू बी फिट, ठीक है, या ये वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप सिग्नल दे, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो आपकी सिटी की रेशियो है, उससे ये प्राइमरी एम्प्स बन रहे हैं यार, यानी आप यहाँ पे पिकअप सेट करते हैं, उससे यहाँ रिले एम्प्स सेट होते हैं, यानी ये दोनों सेटिंग्स जो हैं, ये सारा जो ये वाला जो कंप्लीट, ये जो है ये वाला, ये जिसमें मेरा एरो, यानी ये वाला और ये वाला, ये 1, 2 और 3, ये रिले की चीजें हैं, यानी सिटी की सेकेंडरी, ओके, ये सिटी की सेकेंडरी पर रिले लगी होती है, तो ये 1, 2 और 3, ये तीनों रिले की चीजें हैं, यानी रिले के पास सिटी से 5 एम्पेयर आ रहे हैं। आपने पिकअप सेट की 16 की, तो 16 × 5, ये हो गया 80, तो रिले के पास कितने एम्पेयर हो गए इस वक्त, 80, व्हेन इट हैज व्हेन इट इज सेट एट 16 टाइम्स पर पिकअप, तो रिले के पास 80 एम्पेयर हो गए। अब व्हाट इज द प्राइमरी एम्प्स, ये भी जो है ना वो जानना जरूरी है। तो अब ये 80 का 1600 प्राइमरी एम्प्स कैसे बने, ये सिटी की रेशियो है, इस वक्त जो सिटी की रेशियो है वो 100:5 है, जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि 20:1, तो 80 × 20 इट बिकम्स 1600, मेरी बात की, तो ये वो बात। तो अब अगर आप जो है सिटी की रेशियो कम कर लेते हैं, जैसे 50:5, तो वो क्या हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा ना, यानी 50:5 से क्या बन जाएगा, 10:1, तो ये 80 × 10, ये क्या बन जाएगा, 800, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यानी पिकअप तो सेम है 16, लेकिन प्राइमरी एम्प्स 800 रह गए, ठीक है। ये मतलब क्या है कि देखो ना, अब रिले की जो पिकअप रेंज है वो 40 है, और आप ऑलरेडी 16 पे बैठे हैं, और जब आप 16 आपने ऑप्शन सिलेक्ट की है, डायल आपने 16 पे सिलेक्ट किया रिले की पिकअप का, तो उस वक्त जो प्राइमरी एम्प्स होंगे, यानी जो ये इसकी सेटिंग के मुताबिक वो होंगे सिर्फ 800, यानी इसका भी आधा। अगर मैं उस वक्त, ये देखें, अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, अब मैं अगर सिटी को 50 पे सेट करता हूँ, ओके, अब आप देख रहे हो 50:5, ये क्या हो गया, 10, 10 की रेशियो बन गई, ठीक। अच्छा, अब आप देखें यही रिले अब 800 पे आ गया ना। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं यहाँ 1600 प्राइमरी एम्प्स ही लेकर आऊँ, अब मैं क्या करूँगा, जारी बात है पिकअप को बढ़ाऊंगा,
अब आप देखो मैं लेकर आता हूँ लेट्स से 20, अभी भी वो 1000 आया, अब मैं लेकर आता हूँ 24, अभी भी 1200 आया, यानी रिले की जो पिकअप रेंज है वो 40 तक है। ठीक है, ये बात समझे, पिकअप रेंज जो है रिले की वो 40 तक, 40 तक, और मैं 24 के पहुंच गया हूँ और स्टिल अभी मेरे पास वो रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं आ रही, यानी 1200 प्राइमरी आ रहा है, मैं 1600 चाहता हूँ, मैं इसको करता हूँ 27, देखिए अभी भी 1350 है, 29 अब भी, तो 30 करता हूँ मैं इसको। अब देखिए ना, मैं उसकी यानी मैं रिले की जो लिमिट है मैं वहां तक पहुंच रहा हूँ जो पिकअप की लिमिट, ये तो सही बात नहीं है, तो अब 32 हो गया, अब जाकर 16 हो गया। अगर कभी मुझे प्राइमरी पे 2000 एम्स चाहिए होंगे फिर तो हो ही नहीं सकता। तो ये वो चीज़ है कि अगर आप सिटी की रेशो ज्यादा सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप रिले की रेंज में रहते हुए अपने सारे मकासद पूरे कर लेंगे, ये बात ठीक है। सो नो डाउट आप सिटी की जो रेशो है बिल्कुल ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है कि आप उसको फुल लोड पे सेट करते हैं। अब ये देखें भाई, फुल लोड जैसे मैंने भी आपको करके दिखाया कि आपने PQ एनालिसिस करना है और आपने देखा कि यहाँ से 43.1 फ्लो कर रहा है, सो आई वुड सेट इट एट 50, और इस सिटी में से 29.3 फ्लो कर रहा है, सो आई वुड सेट इट एट 50। लेकिन कुछ फैसले जो होते हैं वो फिर फ्यूचर के मुताबिक भी होते हैं। देखिए ना, यहाँ पे मैं लोड लगाता हूँ इस बस पे, इस लोड को बढ़ाता हूँ तो बड़े आराम से ये 43.150 से ऊपर हो जाएगा, फिर मुझे तो रेशो तब भी तो हाँ 100 लेना ही है, तो मैं अभी मैं 100 ले लेता हूँ इसको, और इसको भी 100, दोनों को 100 ले लेते हैं तो मेरे पास रिले भी बहुत इजीली सेट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस थिंग आई वांट टू टेल यू कि समटाइम्स आपको लगता है कि रिले जो है उसकी रेंज अब नहीं रही, हमारी पिकअप की रेंज ज्यादा है, रिले की रेंज खत्म होगी, तो ऐसा नहीं होता। आप अपनी सिटी को दोबारा एक बार चेक कर लें, यानी उसको क्या उसको हम फ्यूचर कंसिड्रेशन ऑफ द लोड के मुताबिक सेट, अभी तो यहाँ पर लोड के मुताबिक 43.1 आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में जब लोड लगेगा तब भी तो सिटी को हमें मल्टी रेशो सिटी होता है ना, सिटी नया नहीं लगाएंगे, उसकी रेशो हम 100:5 सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी हम 100:5 सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो 100:5 जब आप करेंगे तो आपको पिकअप की रेंज भी खुद ब खुद ही मिल जाएगी, यानी रिले की पिकअप रेंज खत्म नहीं हुई। ओके, यानी रिले की पिकअप रेंज, ये नहीं आप कह सकते भाई ये तो पिकअप जो है ना वो इसकी 40 तक थी, लेगी मैं तो 40 तक आ गया हूँ, ये देखें मैं तो जी 40 तक आ गई हूँ, अभी तक सिर्फ 2000 आया, मुझे 2200 प्राइमरी एम्स चाहिए, 2200, तो रिले की तो रेंज ही खत्म हो गई है, ये तो 40 तक, ऐसा नहीं, आप सिटी की रेंज को सिलेक्ट करें ना तो ये आपको रेंज खुद ब खुद मिल जाएगी। ओके, सो दिस थिंग आई वांट